ईस्टर्न साइड से मल्टीपल टीम्स आएंगी, क्लस्टर्स वहां पे फॉर्म होते हुए नजर आएंगे जी गॉड। इसी बीच वो ऑल स्टार्स के एक प्लेयर को डाउन करेंगे और एक बढ़िया मौका है ऑल स्टार्स की पर स्लैम टीम गॉड लाइक का, तो वो नजर आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर टीम गॉड लाइक, क्योंकि यहां पे अगर डाउन होते तो मुश्किल पड़ेगी। लेकिन वो गन पावर, वो अग्रेशन जिस चीज की हम चर्चा करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं टीम गॉड लाइक। दो खिलाड़ी ऑलरेडी वो डाउन कर चुके हैं, टीम ऑल स्टार्स वो रेडी बिल्कुल भी नहीं है इस रश के लिए। एक और खिलाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, ही इज लिटरली ऑन फायर राइट नाउ। वो ग्रेनेड जाएगा, एक नॉक निकालते हुए नजर आएंगे जोनाथन, एमवीपी फॉर अ रीजन। और देखते ही देखते ऑल स्टार्स वो पूरी तरीके से वाइप आउट होते हुए के पास पूरी तरह से, और सेंटर में जेनेक्स एफएम की टीम भी जाने की कोशिश ज्यादा लो एचपी। चलिए गाड़ी वहां पर वो डाउन होते नजर आएंगे, पाव के लिए उनको भी वहां पे डाउन किया गया है। टीम गॉड लाइक वो सिर्फ पोजीशन ओरिएंटेड ही नहीं, फिनिशेस भी वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पंक की बात करें ग्रेनेड, वेल गुड ग्रेनेड वो गया जरूर से, स्कर्ल्स की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश रह सकती है। प्रेडिक्टेबल ग्रेनेड वहां पर कोशिश जरूर से कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स को वहां पे डैमेज देने की कोशिश रहने वाली है। वहीं प्रिंस की बात करें उनको अभी भी चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल दैट दे कैन कन्वर्ट इट इन अ विनर विनर चिकन डिनर। बट एट द सेम टाइम आरसी की स्क्वाड रिडम्पशन क्रू वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। स्कल्स ऑन द अदर हैंड वो टीम एसिड की मुश्किलें बढ़ाएंगे, एक एक करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से व्हीकल्स लेकर के आए। और देखते ही देखते टीम एसिड वो सफाई के बहुत समीप। जी हाँ, बट सबसे बेहतर खेलते नजर आ रहे हैं बट गैलेक्सी रेसर्स। वो लेकर जाएंगे स्कर्ल्स के बिजलू की बात करें, वो अभी भी वहां पर फ्रैक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जेनेक्स एफएम का वो आखिरी खिलाड़ी क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा? जी हाँ, 20 का वो ग्रेनेड जेनेक्स एफएम उनका यहाँ पे सफाया हमें देखने को मिल जाएगा टीम स्कर्ल्स के पास जाते हुए। करना पड़ता है खेलने को, भाग गया